बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफ्ताब नासिर जी। डी स्टूडेंट, मेरा छोटा सा टॉपिक है वैन डायग्राम। वैन डायग्राम क्या होता है जी? टू एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप अमंग सेट्स इन अ परस्पेक्टिव वे, वी रिप्रेजेंट द सेट्स बाय मींस ऑफ डायग्राम्स नाउन एज वैन डायग्राम। दे वर फर्स्ट यूज्ड बाय एन इंग्लिश लॉजिशियन एंड द मैथमेटिशियन जॉन वैन। यहाँ पर जो कह रहा है कि सेटों के दरमियान तल्लुक को मुनाजरी के लिहाज से ज़ाहिर करने के लिए हम सेटों को शकाल के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, शक्ल बनाते हैं सेट्स को। दो सेट्स का यूनियन है या इंटरसेक्शन है तो उनको वैसे हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली, तो जब हम शकाल के ज़रिए करें तो वो वैन डायग्राम होता है। वैन शकाल को सबसे पहले अंग्रेज़ी मायर मंतक जो है वो रियाजीदान जो हमारे पास था जॉन वैन, उसने इस्तेमाल किया। इन अ वैन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज़ यूजली रिप्रजेंटेड बाई रेक्टेंगुलर रीजन। यहाँ पर जो वैन शकाल में मूमन यूनिवर्सल सेट को हम एक मुस्ततीली इलाका और उसके मुतलका तत् सेटों को उनके बंद एंड इट्स सब सेट आर रिप्रजेंटेड बाई क्लोज बाउंड्री रीजन इन साइड द रेक्टेंगुलर रीजन। यहाँ पर जो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, जैसे ये जो इसका रेक्टेंगल शेप में आ रहा है ये इसका यूनिवर्सल सेट है, और इसके जो अंदर सेट होते हैं जैसे ये सर्कल में आ रहे हैं ये इसके सब सेट होते हैं। ठीक हो गया। तो कहते हैं कि वैन शकाल में अमूमन यूनिवर्सल सेट को एक मुस्ततीली इलाका और उसके मुतलका तहत सेटों को इसके अंदर बंद इलाकों से ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर यू जो है वो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप में ये बड़ा यू है, और ए जो है इसके अंदर ये छोटा सर्कल बड़ा हुआ इसका सब सेट हो गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास वैन अशकाल थी जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज प्रोवाइड किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा वो हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।